मुस्लिम समुदाय से एक आदिवासी युवती ने जाति और मजहब को बंधन में रखकर प्यार किया था। लंबे समय तक लिविंग में रही, फिर शादी की, लेकिन इसी प्रेमी ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया। पहले गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद रस्सी के फंदे से खुदकुशी का आरोप देने लगा। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुस्लिम युवक से प्रेम विवाह करना युवती को पड़ा महंगा, पति ने गला दबाकर पत्नी की कर दी हत्या। पोस्टमार्टम के बाद मुस्लिम समुदाय के अंजुमन के द्वारा नारी गांव के कब्रिस्तान में युवती को मिट्टी देने से मना कर दिया गया। इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने आरोपी पति अख्तर अंसारी के निवास स्थल के समीप युवती को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार व पुलिस प्रशासन की देखरेख में युवती का अंतिम संस्कार किया गया। लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र के नारी गाँव स्थित डोहडा टोली बस्ती में मुस्लिम युवक से प्रेम विवाह करना युवती को महंगा पड़ गया। इस शादी का अंत उसकी दर्दनाक मौत से हुई है। मुस्लिम युवक ने पहले प्रेम जाल में फंसाकर 5 साल पहले आदिवासी समुदाय की युवती से शादी की थी, जिसका आज खौफनाक अंत हो गया। जानकारी के अनुसार मुस्लिम समुदाय के युवक ने आदिवासी समाज की प्रेमिका सह पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। पति ने यह कदम क्यों उठाया, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पति के साक्ष्य को छुपाने की नीयत से शव को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले गया था, जहां इस हत्या का खुलासा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार नारी गांव निवासी अख्तर अंसारी ने अपने पत्नी बालमुनि लोहरा की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साक्ष्य छुपाने की नीयत से उसने कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले गया, जहां स्थानीय ग्रामीणों और मृतक के परिजनों से घटना की जानकारी मिलने पर किस्को थाना पुलिस दल बल के साथ नारी गांव कब्रिस्तान पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेते हुए आरोपी पति को किस्को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद लोहरदगा जेल भेज दिया गया। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक के पिता 50 वर्षीय लालदेव लोहार ने के लिखित आवेदन के आधार पर किस्को पुलिस ने आरोपी पति अख्तर अंसारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया गया कि अख्तर अंसारी और बालमुनि का प्रेम विवाह हुआ था। वहीं मृतक बालमुनि कुमारी के पिता लालदेव लोहार और मृतक की बहन पूजा कुमारी का आरोप है कि मृतक के पति अख्तर अंसारी के साथ कई अन्य लोगों ने गला दबाकर हत्या की है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। लोहरदगा ब्यूरो सद्दाम खान की देखे खास रिपोर्ट। घटना का है मामला? घटना तो नहीं जान रहे, बस उन्हीं लोग बोल रहे थे जे बीमारी है, मिर्गी बीमारी उसका नहीं था। हम लोग जान रहे, मेरा बहन है, संगी बहन है, और जो बोला ये लोग जो अपना से मरे, हम जा रहे थे बाहर, लकड़ी फिर लाया और घर उड़ी पोत रहा था, तो उसी टाइम ही बोला जे नहीं हमको ठंडा लग रहा है, नहाया शाम को ठंडी लग रहा है, बोला अपना पति के पास, उसके बाद बोल रहे जे अपने से फांसी लगा के वो मर गए, और फांसी लगा के नहीं मरे, लोग फांसी वाला रस्सी लोग टांग दिया था और उसका नीचे डराम रखल था, और ये लोग रात के दोनों सारा भाटू लोग इसका गला दाब के मर रहे लोग। आप लोग को लगता है कि जो लड़का का जो परिवार वाला है वो गला दबा के मारा है? हाँ, दोनों सारा भाटू मारा है, उसका जीजा और लड़का। एक चीज इसमें सामने आ रहा है कि जो साक्ष्य को छिपाने के लिए, सच को छिपाने के लिए जो है लड़का वाला जो है वो कब्रिस्तान में ले गया था दफनाने। दफनाने के लिए तो कोई खबर किया होगा थाना तरफ, लोग जाकर प्रशासन लोग उठा के ले आए लोग, तो हम लोग ढाक पहुंचे, हम लोग सबसे फर्स्ट हम पहुंचे थाना पहुंचे, तब उसके बाद ने मम्मी लोग आए, मम्मी नहीं पापा आए, और मेरा बड़ा पापा है वो आए, उसके बाद ने अभी फिर फोन किए तो मेरा मम्मी आ रहा है और मेरा भाई आ रहा है। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।